विगत दिनों से कोटद्वार में भारी बारिश के कारण कोटद्वार की जनता का काफी नुकसान हुआ है, जिसका जायजा लेने के लिए विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी भूषण ने अधिकारियों के साथ स्थलीय निरीक्षण किया। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष ने कौड़िया में आपदा प्रभावितों के लिए बनाए गए राहत शिविर में पहुंचकर आपदा प्रभावितों को भोजन वितरण किया। उन्होंने आपदा प्रभावितों को भोजन और रहने की सुविधा को सुनिश्चित करने को कहा। विधानसभा अध्यक्ष ने गड़ीघाट स्थित अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त पुल का भी स्थलीय निरीक्षण किया। बता दें कि खून नदी का जलस्तर बढ़ने के कारण पुल की दीवार का हिस्सा क्षतिग्रस्त हुआ है। इसके निवारण के लिए विधानसभा अध्यक्ष ने अधिकारियों को जल्द ही पुल को दुरुस्त करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही निरीक्षण के बाद ऋतु खंडूरी ने सभी विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक भी की। बैठक में उन्होंने अधिकारियों को कोटद्वार के हर क्षेत्र में बारिश और आवागमन की स्थिति पर हर घंटे रिपोर्ट देने को कहा। कोटद्वार से राजेंद्र खतवाल की रिपोर्ट। कल से पहले से ही जिस दिन हमारा मालन नदी का पुल टूटा था, उस दिन से लेकर आज तक हम लोग सब प्रयासरत हैं, चाहे हमारे अफसरान हो, चाहे हमारे कार्यकर्ता हो, सभी लोग हम लोग सड़क पर आपको दिखेंगे। इसीलिए 20 दिन के अंदर आपने एक वैकल्पिक पुल देखा था और उससे 2-3 दिन के अंदर ही आपने एक ही दिन के 24 घंटे के अंदर आपने एक फॉरेस्ट के माध्यम से एक वैकल्पिक रास्ता था वो हमने किया। अब बादल फटे हैं, बारिश बहुत तेज़ हो रही है, तो शायद इसी कारण यहाँ पे कोटद्वार में भी बहुत समस्याएँ हुई हैं। हम लोग लगे हुए हैं, प्रयास ये है कि इस बरसात तक कैसे और क्षति ना हो, कैसे नुकसान ना हो और लोगों को कष्ट ना हो, इस पर आज मैं यहाँ पर आई हूँ। और हम लोग बहुत प्रयासरत हैं कि जहाँ जाले लगने वहाँ जाले लगे, जहाँ पेड़ हटने हैं वहाँ पेड़ हटे, उसको हम लोग सब देख रहे हैं।